आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। औद्योगिक विवाद क्या है और किस तरह से उत्पादन शक्ति को प्रभावित कर रहा है। यह समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, पूंजीपति वर्ग के लिए और श्रमिकों के लिए इसकी महत्व काफ़ी है। भारतवर्ष में पहले छोटे छोटे उद्योग धंधे की स्थापना हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हुई, समस्याएं बढ़ने लगी। किसी भी उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता होती है, जिसे पूंजीपति वर्ग ही बड़े बड़े उद्योग की स्थापना कर पाते हैं। फलतः वह चाहते हैं कि अधिकतर मुनाफा उन्हीं को प्राप्त हो, जिसके कारण पूंजीपति वर्ग और श्रमिकों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। एक समय ऐसा होता है कि क्रांतियां होती है और श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे उत्पादन शक्ति प्रभावित होती है और धीरे धीरे उत्पादन में ह्रास शुरू हो जाता है। देखा जा रहा है आज के आधुनिक युग में बढ़ती महंगाई के कारण श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, लेकिन पूंजीपति वर्ग उनके बारे में पूर्ण रूप से नहीं सोचते हैं, फलतः विवाद शुरू हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे हड़ताल शुरू हो गई। 1908 ईस्वी के पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन 1908 ईस्वी के बाद हड़ताल प्रारंभ हो गई। 1921 में आसाम के चाय बागानों में हड़ताल हुई, जिसके कारण उत्पादन शक्ति प्रभावित हुआ। 1924 ईस्वी में बम्बई के मिल में हड़ताल हुई और जिसके कारण उत्पादन शक्ति प्रभावित हुई, और धीरे धीरे हड़ताल बढ़ते चला गया। 1928 ईस्वी में भी कुछ ऐसा हुआ और देश की व्यवस्था चरमरा गई, लेकिन समझौता पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही थी। पूंजीपति वर्ग को इसके बारे में सोचना होगा। जब तक श्रमिकों के बारे में पूर्ण नहीं सोचेंगे, तब तक विवाद बढ़ता चला जाएगा। उन्हें उनके बारे में सोचना होगा, उनकी मजदूरी बढ़ानी होगी और इसके अतिरिक्त उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, तभी श्रमिकों का विकास हो सकता है। और जब उनका विकास होगा, स्वतः ही किसी कार्य में वो सही ढंग से कार्य करेंगे और उत्पादन शक्ति बढ़ेगी, और जब उत्पादन शक्ति बढ़ेगी, स्वतः ही पूंजीपति वर्ग को फायदा होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित हो।
होनी चाहिए, तभी पूर्ण रूप से कोई उद्योग धंधों का विकास हो सकता है। यही औद्योगिक विवाद है। धन्यवाद। इसे समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।